चीफ जस्टिस की सरबराही में फुल कोर्ट इजलास जारी। वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खत वारे मामले ते इंक्वायरी कमीशन जोड़न जो ऐलान करे छोड़ो। वफाकी कानून वारे वजीर आजम नजीर तारड़ चयो त मामले की जांच लाए कमीशन जोड़े वेंदो। मामले की संजीदगी के सामू रखंदे वजीर आजम चीफ जस्टिस से मुलाकात जो फैसलो कयो। वजीर आजम चाहे तो कमीशन एक रुकनी हुए जांच लाए अणधुरी रिटायर्ड अदालती शख्सियत की नामजदगी कई वी। संदस चवण हो तो वजीर आजम अदलिया की आजादी से ठाह न थी तो हुकूमत पैं फर्जन का गाफिल ना है। सुभाने काबीना इजलास में जांच कमीशन जो मामलो सामू रखो वो। वजीर आजम शहबाज शरीफ की सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा से मुलाकात। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के छह जजेस पारा अदलिया में मुदाखलत के हवाले से लिखल खत से ख्याल की डे वट कई। मुलाकात में कानून बारे वजीर और अटॉर्नी जनरल भी मौजूद हुआ। सुप्रीम कोर्ट फौजी अदालतों के 9 मई बाबत महफूज कल फैसला मशरूत तौर बुधाने की इजाजत दई छी। अटॉर्नी जनरल के अमल दरामद वारी रिपोर्ट रजिस्ट्रार वट जमा कराने की हिदायत। अदालत चयो तो रुगो अड़न केसन जहा महफूज कल फैसला बुधाया वन जिन में जवाबदार ईद का अग आजाद थी सकन। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर चयो कोशिश कई वे तो उन ईद का 3-4 डी पे आजाद कर वे। अटॉर्नी जनरल अदालत के आगाही दिनी त 9 मई वारन केसेस में 105 जणा फौज की हिरासत में आहन। जवाबदारन के आजादी लाए 3 मरहलन मां गुजरणो पवंदो। 20 केसन में जवाबदारन के सजा आई भी त ईद का अग आजाद थी वेंदा। अदालत 2 अप्रैल के 4 हफ्ते ताई मुलतवी करे छी। इलेक्शन कमीशन केपी में सेनेट चूंड मुलतवी करण जो इशारो दई छो। इलेक्शन कमीशन में केपी में सेनेट चूंड मुलतवी करण बाबत दरख्वास्त बुधनी थी। इलेक्शन कमीशन चयो तो मखसूस सीटों से हल बर्दारी वाले अदालती हुकुम से अमल न थो तो केपी के हद ताई सेनेट चूंड मुलतवी कई वेंदी। वफाकी काबीना 24 अहम शख्सियतों जा नाला ईसीएल में शामिल करण की मंजूरी दई छी। घर वजारत के सर्कुलेशन समरी जरिए मंजूरी दिनी वही। पीटीआई अगवाण बाबर आवाण जो नालो ईसीएल में कढ़ण जो फैसलो। बाबर आवाण जो नालो दिसंबर 2023 से अल कादिर ट्रस्ट केस सबब ईसीएल में शामिल कयो वयो हो। महंगाई के मारियल आवाम के बिजली जो झटको। नेपरा बिजली की कीमत में 5 रुपया फी यूनिट वाध की मंजूरी दई छी। वाद फेबरवरी के माहवार फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में कयो वयो। तफसीली फैसलो बाद में जारी कयो वेंदो। अग में वाद से खरीदारन ते 40 अरब रुपयन जो इजाफी भार पवंदो। सिंधाई कोर्ट में केस की बुधनी दौरान वकील पारा तेज गालहण ते दंड लागू। जस्टिस जुल्फकार अहमद खान की अदालत में केस की बुधनी दौरान वकील सख्त जुमला गालाया त अदालत मथस 50,000 दंड लागू कयो तो वकील वधिक तेज गालायो जैते अदालत मथस दंड की रकम वधाए 1.5 लाख कर छी। सिंधाई कोर्ट में बिजली के बिल में म्युनिसिपल टैक्स वसूल करण खिलाफ दरख्वास्त बुधनी। दरख्वास्त गुजार के वकील दलील दींदे चयो तो म्युनिसिपल टैक्स जो इदारो धार है जो टैक्स वसूल कर सके तो बो केर न थो करे सके। मेयर कराची मुर्तजा वहाब चयो तो टीवी लाइसेंस भी बिजली के बिल में उगाड़ी पई वे। म्युनिसिपल टैक्स घट में घट 50 रुपया वध में वध 200 रुपया है। अदालत केएमसी के इलेक्ट्रिक विच में थियल मुहायदे जा तफसील तलब करे वरता। कंदकोट के कच्चे में रेंजर्स पुलिस के डोहारन खिलाफ जारी ऑपरेशन जो को भी नतीजो सामू न आयो। जिले के 12 मुकविन में एक भी बाजियाब न थो। पुलिस रुगो डोहारन के थाकन के बाहू दई मोटण लगी। उस्ताद अला रखियो नंदवाणी ए शहीद पुलिस एहलकार मोहम्मद इस्माइल दाहानी जा कातिल भी गिरफ्तार न थिया। सिंध के मुख्तलिफ इलाकन में एक औरत कतल एक जो लाश हथ। दोदापुर भरसा घोट जाफर मुंदराणी में घरू अणबणता भा हथा भेण कतल। जवाबदार पिस्टल जा फायर करे भेण हुमा के कतल करे फरार थी वयो। ठट्टो वेझो ब्रांच मोरी वेझो
केबी फीटर मां औरत जो लाश सुप रोजीना गंभीर तौर कई वही। सखर के रीजेंट कॉलोनी में गोली लगने सबब मारजी वेल नींगर वे मामले नव रुख अख्तियार कर वरतो। जैनुल आबदीन के वारसन तरफा नींगर के बदफेली बाद कत्ल करण जो इल्जाम। पुलिस इल्जाम हेठ आयल यासीन नापुर आई खालिद सुमरो के हिरासत में वटी जांच शुरू कर छी। नींगर के वालिद सादिक सिद्दीकी जो चवण है तो संदस पुट के पाड़े में पंज जवाबदार अगवा बाद बदफेली जो निशानो बनाया जै बाद खेस कत्ल किया। कातिल जो पी मुख्य मोटरसाइकिल से खड़ी अस्पताल पोतो दिलासा डी रो। सखर के संग्रार में अगवा थियल प्रिया कुमारी की बाजियाबी लाइ सिंध सरापा एहतजाज लाड़काणो बदीन मटियारी हाला बेन शहर में मुजाहरा कया व्या। अगवाणन जो चवण है तो पुलिस इन वक्त ताई प्रिया के बाजियाब ना कराए सकी खेस फौरी तौर से बाजियाब कराए वनी। नौशरो फिरोजी अदालत चूंट दिहाड़े मोरो भरसा पोलिंग स्टेशन से फायरिंग वाले केस में जीडीए कारकुनन की जमानत मंजूर कर वरती। डिस्ट्रिक्ट सेशन जज की अदालत जीडीए कारकुनन की पक्की जमानत मंजूर कई। मोहम्मद हसन जतोई इमरान चंड आसिफ राहुजो आई बेन के पंजवी पंजी हजार रुपये का मचलका जमा कराने जो हुक्म। गिरफ्तार थियल आसिफ राहुजो आई रिजवान की 13D वाले केस में भी जमानत मंजूर। आई कौमी टीम के अगोणे कप्तान बाबर आजम के एक भेरो बीहर कप्तानी मिलने जो इम्कान। सिलेक्शन कमेटी कौमी टीम की कप्तानी लाए बाबर आजम जो नालो पीसीबी चेयरमैन डां मोकले छो। हतमी फैसलो अज थे इम्कान इन वक्त ताई शाहिन शाह अफरीदी कौमी टीम जो कप्तान है।